बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे आप? मैं लग के फसलों गरम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो आज किचन में क्या क्या बन रहा है चीज़ों से आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा, और इसके बाद मैं बता देती हूँ अगर नहीं आइडिया हुआ तो। आज हम बना रहे हैं छोले भटूरे, क्योंकि आज रेनी डे है, मौसम बहुत अच्छा है। तो जब मौसम अच्छा होता है तो कुछ डिफरेंट खाने का दिल जाता है, तो यकीनन आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा। जिसके लिए हमने ली यहाँ सूजी ली मैंने यहाँ 1 कप, और इसको हमें क्या करना है, इसे हमें भगो लेना है पानी में। 1 कप चीनी है तो एटलीस्ट अब जो है वो 2 कप इसमें पानी शामिल कर दीजिएगा, क्योंकि सूजी को फूलना है और फूलने के लिए उसे चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा पानी, जो कि हम यहाँ शामिल कर चुके हैं। इसी के साथ 1 अदद हमने ली हंडिया और उसमें पानी शामिल कर दिया, क्योंकि आग अच्छे से जल चुकी थी। तो साथ ही साथ हम दूसरा काम शुरू कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए पानी में हम शामिल कर देंगे यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पत्ती, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, और साथ ही साथ 1 अदद सब्ज़ इलायची, और इसे हमें पकाना है इसके खूब पक जाने तक, यानी कि तकरीबन 2-4 जोश तक आप इसे पका लीजिए। इसी के साथ हमने लिया मैदा 2 कप, और इसमें जो है वो हम लेंगे, इसी के साथ हम दही चाहिए, दही में हमने चीनी को जो है वो शामिल कर देना है, इसको हमें इसमें भिगो देना है, यानी कि डुबो देना है, ताकि ये इसमें अच्छे से खुद खुद मेल्ट हो जाए। इसको मैंने कवर कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ नमक टेस्ट के मुताबिक आपने मैदे में शामिल कर लेना है, साथ ही साथ बेकिंग सोडा या मीठा सोडा दोनों में से जो भी आपके पास है वो 1/2 खाने का चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है। यहाँ टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या आसानी से अवेलेबल है। इसी के साथ हम लेंगे सूजी को हम अच्छे से छान लेंगे, इसमें से आपने पानी को अच्छे से निकाल लेना है, और ये एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, फूल चुकी है, और पानी को हमने इसमें से निकाल दिया। अभी हम मैदे के साथ सूजी को अच्छे से जो है वो मिक्स करते जाएंगे, और जैसे ही सूजी और पानी हो जाए मिक्स, और उसके बाद हमें जो चाहिए होगा इसको प्रॉपर एक डो की फॉर्म में ले जाने के लिए, वो हमें चाहिए मीठी दही। यहाँ हमने दही को मज़ीद मीठा कर लिया, मीठा शामिल करके अभी थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें जो है वो दही शामिल करेंगे, इसको अच्छे से गूंद लेंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट नहीं कर देना, इसको आपने ऐसे ही रखना है जैसे आप जो नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं रोटी के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके भटूरे जो हैं ना वो बहुत अच्छे से फूलें। तो यहाँ कहवा तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट, बस अभी मैं इसको वाइंड अप करूँगी तो फिर कहवे की तरफ हम लोग चलेंगे, और इसको आपने अच्छे से गूंद लेना है। तकरीबन आपने इसको 5 मिनट तक गूंदना है, ताकि इसकी डो जो है वो उसमें एक जान आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आटा जो है वो बेजान हो, यूं ही आप पकड़ें और वो टूटता जाए। तो एकदम जानदार होना चाहिए, अच्छे से आपने इसको गूंद लेना। गूंदने के बाद आपने इसको अच्छे से रोल करना है, और इसके साथ जो है वो हमें चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल या घी, जो भी आपके पास है आप वही इस्तेमाल कर लीजिएगा। और यहाँ हम जो है इसको ऑयल लगा देंगे, इससे पॉलिश कर देंगे, क्योंकि गर्मी, जैसे कि आपको पता है कि गर्मी है, और गर्मी में जो है वो आटा बहुत जल्द ड्राई हो जाता है, तो इसको बहुत जल्द ड्राई होने से बचाने के लिए आपको करना होगा कुछ यूँ कि ऑयल थोड़ा सा इसको साइड पे लगा देना होगा, राउंड पे, और उसके बाद आप इसको जो है वो कवर कर देंगे। और अभी मलमल के कपड़े से मैंने इसको कवर कर दिया, तो चलें आपको बताते हैं जी अभी हमें क्या करना है। इसको हमने तकरीबन पड़ा रहने देना है 3 घंटे के लिए, जिसे आपका भटूरा जो है वो बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जल्दी से हम प्याज की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें बनाने हैं छोले। तो छोले के आप जो है वो कैसे मज़ेदार से बना सकते हैं वो आपको बताते हैं। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इस रेसिपी को आपने कभी स्किप नहीं करना, ज़रूर बनाना है। अनारदाना लिया मैंने यहाँ 1/2 खाने का चम्मच, और इसको मुझे अच्छे से पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, और कहवे को मैं चूल्हे से उतार लेती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से पक चुका है, इसका कलर बहुत अच्छे से आ चुका है। अभी हम लेंगे 1 अदद कुकर, और कुकर में हम शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल। ऑयल आपने यहाँ कितना शामिल करना है अपनी मर्ज़ी है, आपकी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच बस ऑयल शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयल जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसलिए मैं जो बहुत लिमिटेड सा इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था बारीक से, इसी के साथ मैंने इसमें जो वो
शामिल कर दिया अनारदाना और अनारदाने को मैंने प्याज में मिक्स कर लिया। प्याज और अनारदाना जो हम एक साथ घी में शामिल करेंगे और इसको हम करेंगे फ्राई। फ्राई हमें करना है इसे लाइट गोल्डन होने तक। अनारदाने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। एक और नंबर दो पे जो आप वो हसम, यानी कि ये जो आपका खाना है वो बहुत जल्दी हजम हो जाएगा। निज़ामे इंजाम को बेहतर करता है अनारदाना। और नंबर तीन पे आपकी गर्मी को भगाता है। मतलब अगर आपको गर्मी है, आपको खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, तो फिर आप अनारदाने का एक चम्मच ले लीजिएगा। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपका दिल चाहेगा मैं कुछ खाऊं, भूख लगेगी और गर्मी नहीं होगी। इसी के साथ हम यहाँ थोड़ा सा नमक का छिड़काव कर देंगे, जिससे प्याज बहुत जल्द जो है वो पक जाएगा। साथ ही साथ एक खाने का चम्मच लहसुन का शामिल कर दिया, जो कि प्याज के ब्राउन होने के बाद हमने शामिल किया है। यहाँ आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। लहसुन हमने शामिल कर दिया 30 सेकेंड के लिए। लहसुन को करेंगे फ्राई और साथ ही हम इसमें रास पैसे शामिल कर देंगे, जिसमें हमने बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्ची ली। टमाटर लिए हमने यहाँ 2 अदद मीडियम साइज़ के, उसको भी हम कुछ यूँ पेस्ट नुमा शेप में लेंगे या क्रश कर लिया हमने इसको, और इसको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। उन सारी चीज़ों को हम एक साथ पका लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। तो मौसम अच्छा होने की वजह से परिंदे कितने खुश हैं, कितने अच्छे, हवाएं कितनी मज़े की जा रही हैं, हम आपको बता नहीं सकते। इसी के साथ हमें चाहिए 2 अदद स्मॉल टू मीडियम साइज़ के आलू। अगर आपके पास स्मॉल साइज़ के नहीं है तो आप मीडियम के ले, मीडियम के नहीं तो लार्ज का एक ले लीजिएगा। और यहाँ मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है, ऑयल यहाँ से अलहदा हो चुका है, मसाला जो अलहदा हो चुका है। ये सबसे बेस्ट वे है कुकिंग का, जब आपको ये आइडिया हो जाए कि आपका ऑयल जो है वो मसाले से अलहदा हो चुका है, तो मतलब आपका मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। चने को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और इसको मैंने आधा खाने का चम्मच सोडा लगा दिया, और उसके बाद मैंने मॉर्निंग में सोडे वाला पानी इसमें से निकाल दिया। इसको अच्छे से वॉश कर लेना आपने, सोडे वाला पानी आपने बिल्कुल भी इसमें रहने नहीं देना। इसी के साथ आपने 3 खाने के चम्मच जो है वो यहाँ दही के शामिल कर देने हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। जी हाँ, दही शामिल करने के बाद आपने ऑयल के टूटी तौर पर लदा होने तक इसको पकाना है। उसके बाद आपने इसमें चने शामिल कर देने हैं, और बस चने शामिल करने के साथ ही हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच बारके। और अगर मज़ीद स्पाइसी चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना, क्योंकि बच्चों ने भी खाना है। और यहाँ हमने कहवा इसमें शामिल कर देना, जिसको हमने स्ट्रेन कर लेना है। और ये देखिए कितना अच्छा जो है उसका कलर आना शुरू हो गया, लेकिन अभी ये पकेंगे तो इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। चाहें तो आप साबुत आलू भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक चने ने पकना है, आलू ने ऑटोमेटिकली पक जाना है, इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स होकर कुकिंग करें। उसके बाद इसमें पानी शामिल कर लीजिए कड़ी और चने के पकने के लिए, जितना आपको पानी चाहिए उसके मुताबिक। मैंने यहाँ तकरीबन 4 कप जो है वो पानी शामिल किया है, और अभी नमक शामिल कर रही हूँ चने के मुताबिक, और बस अपने टेस्ट के मुताबिक। अभी हम इसको लगाएंगे वेट। वेट यहाँ थोड़ा जो है वो लगेगा तकरीबन ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा मिक्स हुआ हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लगाऊंगी जब तक चने ना पक जाए। तकरीबन मैं यहाँ 20 मिनट का वेट लगाऊंगी, और उसके बाद चने जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ हम अभी जल्दी से तैयारी कर लेते हैं बटोरे की। तो बटोरे की तैयारी कैसे करनी है, आपने बस छुरी की मदद से इसको जो है वो काट लेना है, कुछ यूँ इस साइज़ का आपने पेड़ा बना लेना है, और बाद सारे पेड़े हम जल्दी से तैयार कर लेंगे, और उसके ऊपर हम ऑयल को ग्रेस करते जाएंगे, ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो और इनको कोई भी मसला ना हो। मतलब कि ड्राई होंगे तो फिर आपके भटोरा जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपने करना। अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ मलमल के कपड़े से, और जिसके सारे पेड़ों के ऊपर मैं ऑयल लगा चुकी हूँ। और अभी हम चलते हैं चने की तरफ, देखते हैं जी चने कहाँ तक पहुँचे, पके के नहीं पके, अभी हमसे ये यूज्ड हुए कि नहीं हुए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आगे से आंखें दिखा रहे हों। अगर आंखें दिखा रहे होंगे तो फिर आपने मज़ीद इसको टाइम लगा लेना, वेट लगा लेना। कढ़ाई ले लें जो कि साइज़ में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। इसमें ऑयल शामिल कर लीजिएगा, ऑयल की अच्छी तरह से आपने ऑयल को गर्म करना है। और यहाँ पेड़ा ले के आपने जो है उसको बिल्कुल भी खुश्का नहीं लगाना, आपने उसको लगाना है तो ऑयल लगाना है या घी लगाना है,
और इसके बाद आपने इसको हल्के से बेल लेना है। पेड़ आपका बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, अगर पतला होगा तो ऐसा फूलेगा नहीं जैसे उसे फूलना चाहिए। तो अच्छे से फूलने के लिए आपको थोड़ा सा मोटा जो है वो पेड़ा लेना है। तो बस यूं ही हम इसको करते रहेंगे फ्राई, और सारे भटूरे हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। चने हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, तो एकदम फूली फूली भटूरी जो है वो आपको पसंद होगी। तो चलें अभी हम तो आज के रेनी डे को इसी के साथ एंजॉय करेंगे। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, हमें लाइव भी देसी खाना पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा हम देसी खाना टिप्स के नाम से डिफरेंट पेजेस पे हैं, सभी पेजेस पे हमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपके पास आती रहें एकदम ऑर्गेनिक फ्रेश रेसिपी जो कि होम मेड हैं और मज़े की हैं, नीट क्लीन हैं। तो इन सारी रेसिपी के लिए आपको हमें देसी खाना टिप्स पे फॉलो कर लेना होगा। और इसके अलावा हम YouTube पे, Twitter पे, Facebook पे, ब्लॉग पे, TikTok पे, Instagram पे भी हैं, वहाँ भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया, अभी आपको डिश में निकाल के दिखाते हैं। यही थी आज की हमारी स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपी। इसी के साथ हमें जल्दी दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ढेर सारी दुआओं के साथ। और आज की स्पेशल रेसिपीज़ के साथ हम बोलते हैं आपको अल्लाह हाफिज़।